क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत लाइए भाई, चलो डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो गाइज अभी है क्या कि आज ना दिन भर में 2-3 बार हो गई है बारिश, और बारिश से कुछ मौसम ऐसा बना है कि अभी फिर से ऐसा लग रहा है बारिश होने ही वाली है। तो अभी थोड़ा बहुत हवाएं चल रही हैं, और अभी है क्या, मैं स्टार्टिंग तो अभी इस जगह से कर रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं जो अभी चैनल का हुए, तो अभी है क्या गाइस, मैं आ तो चुका हूं क्रिकेट ग्राउंड की तरफ, और जो मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी वो करी थी अपने गाँव के आउटसाइड, जहाँ से कि हमें सड़क मिल जाती है मेन सड़क की तरफ से। तो उस जगह से आज स्टार्ट करूंगा कंटेंट को, और दिखाऊंगा आज आपको ना थोड़ी गांव का बाहरी हिस्सा किस तरह से देखने को मिल रहा है, और क्या चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी, है ना। तो वो चीज़ें दिखाऊंगा, और तो चलो उम्मीद है कि आप जरूर कंटेंट में बने रहेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर हैं नए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और करते हैं कंटेंट को कंटिन्यू, और दिखाते हैं आपको आज गाँव का आउटसाइड और कुछ अंदर के रास्ते। तो गाइज़ अभी चलते हैं थोड़ी इस जगह से गांव की तरफ, और आपको लेकर चलते हैं आज गांव के आउटसाइड। काफ़ी दिनों से थोड़ी गांव के आउटसाइड में गया नहीं हूँ, और वेदर अभी कुछ इस तरह का हो रहा है। और जगह जगह अभी थोड़ी पानी भी रुक चुका है। तो ये रास्ता जाता है अपने क्रिकेट ग्राउंड की तरफ, और अभी कुछ इस तरह की जगह। बट अभी है क्या गाइस, थोड़ी ना बारिश की बूंदे भी आ रही हैं, बट अगर ये बारिश हो गई तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, आगे फिर कंटेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं। बस बारिश ना आए, मैं तो यही कहूँगा कि बारिश ना ही आए तो अच्छा है। इस तरफ ग्राउंड की साइड में ना काफ़ी ज़्यादा जो मलबा है गाइस, वो भी देखने को मिलेगा अभी आपको। ये देखिए स्टार्ट, ये जगह है जहाँ पे मलबा अभी रुका हुआ है, और ठीक उस तरफ उधर की साइड भी अभी मलबा है। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ क्रिकेट ग्राउंड में, और कुछ इस तरह का अभी इस जगह से जो नेचर का व्यू आ रहा है ना, तो कुछ इस तरह का व्यू है। और इधर की साइड जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ग्राउंड में भी ना बरसाती नाले आ जाने की वजह से थोड़ी कीचड़ आ गई है। तो इस जगह पे कभी हमें ग्रीनरी जिस तरह इस जगह पे दिखाई दे रही है ना, एक ग्रास, सेम थिंग उस साइड भी देखने को मिलती थी, बट अभी कई जगह पे आपको इस तरह की मिट्टी नज़र आ रही होगी। तो कुछ इस तरह का हाल है अभी। तो चलो थोड़ी चलते हैं गाँव के आउटसाइड, और इस जगह से देखने की कोशिश करते हैं अभी
शाम के समय जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसी देखने को मिल रही है, साइटिंग है या नहीं वो देखते हैं, है ना। तो अभी कुछ ही दूर है सामने ये गांव का आउट हिस्सा, तो सामने अभी कुछ ही दूर है गांव का आखिरी हिस्सा, तो थोड़ी उस तरफ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं गांव के आखिरी हिस्से की तरफ, और मौसम की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का है, ऐसा लग रहा है कि बरसेगा आज दिन भर में। दो तीन बार इस जगह पे बारिश हुई है और अभी फिर से मौसम कुछ इसी तरह का बना हुआ है। और जैसा कि रोज़ाना की तरह आपको इस जगह पर आके थोड़ी मैं वाइल्ड एनिमल्स की जो पग मारे गाइस वो दिखाता हूँ, तो आपको जितने भी अभी इस रेत पर निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये किसी ना किसी एनिमल्स के हैं ही। तो देख रहे हैं इस जगह पे जो रात के समय एक्टिविटी होती है, वैसे तो क्रिकेट ग्राउंड में पूरा का पूरा झुंड आ जाता है स्पॉटेड डियर का, और फिर कहीं उन्हें फॉलो करते हुए इस जगह पे लैपर्ड और टाइगर भी गांव की तरफ एंटर करता है। सो कुछ इस तरह की चीज़ें, और ग्रीनरी तो काफ़ी ज़्यादा है और मौसम भी कुछ कम नहीं अभी इस जगह से जो देखने को मिल रहा है। तो इस जगह पे ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, अक्सर मैं बताता हूँ गाइज आपको कि जो ये पानी है ना, ये पानी है पनौत के बड़े नाले का, और ये जितनी भी जगह में आपको मिट्टी दिख रही है, जितनी भी जगह में अभी तक आपको मिट्टी दिखाई दे रही है ना, तो अभी इस जगह पे जो फ्लो आया था गाइज कुछ इस तरह का आया था। नहीं तो इस जगह पर आपको, आप मेरे पिछले कंटेंट अगर चेक करेंगे तो आपको ना इस साइड में सारी जगह घास नज़र आती, ग्रीनरी नज़र आएगी उसमें, और अभी मिट्टी ही मिट्टी। तो ये भी अभी ना बिल्कुल भी कम नहीं आ रहा है, जैसे धनगढ़ी नाला आता है ना सेम गाइस, उसी तरह से अभी ना पनौत का बड़ा नाला और छोटा नाला दोनों आ रहा है। तो ये पानी है पनौत के बड़े नाले का। तो थोड़ी चलते हैं गांव की आखिरी हिस्से की तरफ, जहाँ से कि हमें फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है, या आप कह सकते हैं उस जगह से होती है एनिमल्स की साइटिंग हमें, मतलब उस तरफ से ना एनिमल्स अक्सर, फॉरेस्ट से रिवर और रिवर से फॉरेस्ट, यही एक वो जगह है जिस जगह से अक्सर टाइगर देखने को मिलता है। और फिर ये जगह तो पूरी जो पीछे की साइड का है, इस तरफ कहीं से भी टाइगर आ जाता है और मोस्टली लेपर्ड इस जगह से एंटर करता है गांव की तरफ, क्योंकि गांव में जो है ना गाइस डॉग्स कुछ लोगों के पास, तो उन्हें कैप्चर करने के पर्पस से लेपर्ड आता है। बट टाइगर की एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है कि वो वाइल्ड लाइफ का पीछा करते हुए आता है, क्योंकि उसे शिकार करना होता है तो वाइल्ड लाइफ का, वो डॉग्स का शिकार नहीं करता। तो ये जो फितरत है वो लेपर्ड की है कि वो सिर्फ गांव में अगर एंटर करता है तो वो डॉग्स के लिए एंटर करता है, किसी कारण बस अगर उसने कोई शिकार कर भी लिया डियर्स का तो एक अलग चीज़ है, नहीं तो काफ़ी कम चांस होते हैं कि गांव के अंदर आकर लेपर्ड किसी वाइल्ड एनिमल्स पे अटैक करता है। अगर गांव के अंदर आया है तो जो पालतू जानवर हैं, चाहे उसमें आप डॉग को लें, गाय भैंसों को लें, या फिर लें आप
ह्यूमन बींग्स में छोटे बच्चों को। तो गांव में अगर ये चीज़ आई है लेपर्ड, तो वो पालतू चीज़ों पे या ह्यूमन बींग्स पे ही हमला करती है ना। और अभी है क्या, फिर से बारिश की बूंदें स्टार्ट हो गई हैं। बारिश की बूंदें इस जगह से अभी आना स्टार्ट हो गई हैं गाइस। और मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर इस जगह पे बनूं, आपको यहाँ से चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि शाम का समय है, साइटिंग का टाइम था, और यही टाइम अभी बना हुआ है इस जगह से टाइगर का भी। टाइगर भी क्रॉस अभी के समय इस जगह से करता है। तो आपको चेक करा दूं इन पत्थरों पे, तो इनसे आप चेक कर सकते हैं कि इस जगह पे बारिश होना शुरू हो गई है। और शायद आपको ऐसे में बारिश नहीं दिख पाए, बट जो पत्थर हैं उनसे तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कितनी मोटी बूंदें इस जगह पर अभी बारिश की गिर रही हैं गाइस। तो फाइनली फिर भी आपको एक झलक इस जगह की दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए, ये हुआ करती थी मेरी बेस्ट लोकेशन में से एक लोकेशन, जिस जगह पे हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता था। बट अभी है क्या, ग्रासलैंड में पूरी तरह से मिट्टी भर गई है, और कुछ एलिफेंट की ड्रॉपिंग इस जगह पे जो बारिश से है वो धुल गई है, इस तरह से फैली हुई है। और जैसा कि मैं ग्रासलैंड की बात कर रहा था आपको, तो ग्रासलैंड में पूरी तरह से मिट्टी है और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो ये नज़ारा है अभी इस जगह का, एनिमल्स की साइटिंग अभी इस जगह से अगर देखने को मिल रही तो गाइस काफ़ी दूर है इस जगह पे स्पॉटेड डियर। ये जो पेड़ है ना जिसकी जड़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके पास में स्पॉटेड डियर हैं अभी जो देखने को मिल रहे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है। और अभी बारिश भी हो रही है, तो अभी मन तो यही कर रहा है कि बारिश में भीगने से बेहतर है कि घर की तरफ चला जाए, क्योंकि बारिश कभी भी तेज हो सकती है। तो चलो गाइज अभी इस जगह से चलते हैं, क्योंकि बारिश में भीगना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो साइडिंग फिर और कभी करेंगे इस जगह से, है ना। अगर बारिश रुकी तो फिर शायद हो सकता है आधे रास्ते में से मुझे वापस भी आना पड़ सकता है, अगर नहीं रुकी तो फिर तो घर ही जाना बेहतर होगा। तो आप ज़रूर बताइएगा गाइज आपको अभी तक जो भी चीज़ें इस जगह से देखने को मिली हैं, नेचर से रिलेटिव या गांव का एक सुंदर सा जो नज़ारा स्टार्टिंग में आपको मैं दिखाया है, तो उस भी आप पे आपका कमेंट, मैं चाहूँगा कि आपका कमेंट होना चाहिए। और गांव की आपको हालत में दिखा ही चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, कि अभी बारिश के बाद किस तरह का हाल हो गया है गाँव का, और किस तरह से गाँव के लोगों का नुकसान किया है अभी इस बारिश ने। तो चलो अभी चल रहे हैं इस जगह से वापस। तो अभी गाइस बारिश हो रही तेज, बस अब मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं जल्दी से ग्राउंड पे पहुंचूं और ग्राउंड से फिर जाऊं घर की तरफ, ऐसा ना हो कि ये बारिश मुझे पूरी तरह से भिगा दे। आप चेक कर पा रहे होंगे आई थिंक अभी। ये देखिए पानी में तो आपको ज़रूर नज़र आ रही होगी बारिश। ये देखिए ये बारिश की बूंदें गिर रही हैं इसमें अभी। आज क्या ही कहें, कुछ टाइम बाद ज़रूर इस जगह पे मौका मिला था आने का, बट क्या करें कि बारिश ने साथ नहीं दिया, जिस वजह से अभी मुझे जाना पड़ रहा है इस जगह को छोड़कर। आज दिन भर में नहीं भी तो ये चौथी बार बारिश हो रही है इस जगह पे।
चौथी बार। बारिश की बूंदें आ रही काफी मोटी। तो अभी आ चुका हूं मैं क्रिकेट ग्राउंड के पास, ये देख रहे हैं ये है क्रिकेट ग्राउंड और इसके पास मैं आ चुका हूं। तो अभी करते हैं गाइज इस कंटेंट को ना यहीं पे स्टॉप और आगे का देखते हैं अगर कुछ चीजें आपको दिखा पाया तो। तो फाइनली गाइज अभी है क्या कि बारिश रुक गई है और मैं आ गया ऑन वे, अपने गांव से कुछ ही दूरी पर आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस तरफ प्लांट और सामने ठीक दिखाई दे रहा है मेरा गांव। और अभी थोड़ी इस जगह पे पैदल वॉक कर रहा हूं, ज़्यादा दूर नहीं थोड़ी, जहां से हमें आगे का नज़ारा देखने को मिल जाएगा, मतलब ये लास्ट किनारे से तो इस जगह तक जाऊँगा, इससे ज़्यादा जाया नहीं जाएगा। और कुछ इस तरह इस जगह से भी जो बरसाती नाला है ना गाइस पानी वो आ रहा है। और अभी तो इस जगह से थोड़ी पत्थर हटा दिए हैं, अदरवाइज आप चेक कर पा रहे होंगे इन पत्तों को। और सामने इस जगह पर देख रहे हैं इस साइड से जा रहा है पानी नीचे ठीक गांव की तरफ, क्योंकि इस तरफ को है डाउन और यहां से पानी मिलकर आ रहा है। और ये पेड़ है, दो पेड़ यहाँ पे इस जगह पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोनों पेड़ गाइस इस जगह पर है, एक हल्दू का पेड़ जिसे हम बोलते हैं और दूसरा ये है अपना ट्री बहेड़ का, जिसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन के लिए, जैसे कि हमें कफ हो रहा है, जुखाम हो रहा है और कई तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन इस बहेड़ के पेड़ से बनाई जाती है। आपने सुना होगा हेड़ और बहेड़ दो अलग चीज़ होती हैं, तो उसी में से यह है बहेड़, हेड़ दूसरा होता है। तो इस तरफ अभी पहाड़ियों से कुछ इस तरह का जो क्लाउड है गाइस ये देखिए आप इस तरह से देखने को मिल रहा है ना, इस जगह से थोड़ी जो गर्मी है उमस टाइप की स्ट्रीम टाइप की जो होती है ना बारिश के आने के बाद कुछ इस तरह, तो कुछ इस तरह से ना ये फिर पहाड़ियों से इस तरह से फॉग निकल कर आता है। और अभी इस तरफ जो प्लांट का आउटसाइड है इस तरफ हो रही थी काफ़ी इस तरह की घनी झाड़ियाँ, और अक्सर इस जगह पे ना रात के समय लेपर्ड छुप जा रहा था, क्योंकि इस जगह पे कुछ प्लांट में ना डॉग्स हैं जो कि गांव के ही कुत्ते हैं वैसे वो, मगर आ जाते हैं इस तरफ क्योंकि कुछ लोगों ने अपने कुत्ते छोड़े हुए हैं आप कह सकते हैं उन्हें, तो वो कुत्ते आते हैं तो उनके फिराक में इस जगह तक आ जाता है लेपर्ड। तो है क्या अभी इस जगह से प्लांट वालों ने फाइनली थोड़ी कुछ इस तरह की जो झाड़ियाँ हैं इन्हें काट दिया है जेसीबी से, मतलब हटाया है इस जगह पर, देख रहे हैं ये इनका आखिरी हिस्सा है। आगे की तरफ भी ये ज़मीन है किसी की, बट अभी है क्या कि ये प्लांट वालों के पास में दी हुई है। जब तक इस जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जब तक आई थिंक ये जगह इन्हीं के पास रहेगी और उसके बाद चीज़ें होंगी चेंज। और अभी तो गाँव में और गाँव के बाहर कुछ इस तरह से गाइस ये देखिए ये है सामने गाजर घास, जिसे आप कह सकते हैं जंगल का दुश्मन या ह्यूमन मींस का दुश्मन। ये ग्रास गाइस जो गाजर घास वाली है ये इतनी खतरनाक है कि इसके बीच में आप चेक कर पा रहे होंगे कोई और पेड़ पौधे नहीं हो पाते, कोई भी नहीं, और इसे छूने से होती है एलर्जी। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो इस जगह पे गाइस कुछ इस तरह के आपको ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं, यह है जंगली बेर का पेड़ है ना, जो शिवरात्रि में बेर आते हैं तो ये उसी बेर की दूसरी वैरायटी है जो कि है जंगली। तो इस तरह के पेड़ इस जगह पे कई सारे देखने को मिलते हैं और इन पेड़ों को देख के ना गाइस अपना जो बचपन है वो याद आता है, क्योंकि इन बेरों को खाने के लिए हम कहाँ नहीं जाते थे ये कह पाना थोड़ी ना, क्या ही कहूँ मैं आपको, मतलब हम जंगल मतलब गांव का जो आउटसाइड था ना उस जगह पे काफ़ी सारे होते थे। और हम लोग जब स्कूल टाइम में अपनी गाय भैंसों को लेकर चराने जाया करते थे ना तो
जब बेर होते थे तो हम अपनी गाय भैंसों को एक साइड और खुद लग जाते थे इन बेरों को खाने में। तो इस तरह के पेड़ इस जगह पे बेर के भी देखने को मिल रहे हैं और मौसम तो काफी खूबसूरत अभी हो ही रहा है गाइस। देख रहे हैं पहाड़ी से किस तरह से ये क्लाउड बन के निकल रहा है और फिर आगे इस जगह से स्टार्ट हो जाता है अपना कोर एरिया वाइल्ड लाइफ का। और इस जगह से अक्सर गाइस टाइगर की मूवमेंट भी देखी जाती है, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी इस जगह से कई बार दिखाता हूँ, है ना, कि इस जगह पे लगा हुआ है, कि इस जगह पे लगा हुआ है गाइस कुछ इस तरह का साइन बोर्ड जिसमें कुछ इमेजेस बनी हुई है वाइल्ड एनिमल्स की। तो इस जगह पर स्पॉटेड डियर, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, इनके चित्र बने हुए हैं साइन बोर्ड पे, जो कि इंडिकेट करते हैं कि हाँ इस जगह पे वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल जाता है। तो अभी है क्या गाइस, मैं आ चुका हूँ गांव के आउटसाइड से भी वापस गांव की तरफ और इस जगह पे अभी कुछ बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी अभी गांव के बच्चे कर रहे हैं। और सामने कुछ नज़ारा आप देख रहे होंगे, ये बरसात के बाद का है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और करते हैं गाइस अभी इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको आज का जो वेदर है और जो नेचर वाइज अभी चीज़ें इस जगह से देखने को मिल रही थी तो वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो कुछ यही चीज़ें थी, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा गाइस। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।